हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका आज वाले ब्लॉग में। भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई चंदौसी से। और चंदौसी में मैं कहाँ खड़ा हूँ भाई, मैं खड़ा हूँ हनुमानगढ़ी में। और भाई जैसे कि तुम्हें पता है आज है भाई गणेश चतुर्थी, तो सबसे पहले गणेश चौथ की भाई आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये चेक करो भाई एक बार कैसा लग रहा है पहले, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। भाई तुम्हें याद होगा या नहीं होगा मैं तुम्हें बता देता हूँ, पिछले साल भी भाई मैंने आया था, तुम्हें रथ यात्रा दिखाई थी, तुमने प्यार भी दिया था उस वाले ब्लॉग को, ठीक है ना। तो इस बार भी भाई मैं आया हूँ हनुमानगढ़ी में रथ यात्रा दिखाने के लिए, जो कि अभी भाई तैयारी वगैरह चल रही है, काफी भीड़ भाड़ भी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। बाहर देखो मतलब मंदिर मंदिर सब सज रहा है, और झांकी भी अंदर मतलब जो मूर्ति है ना बड़ी बड़ी वो भी आपको दिखाऊंगा भाई। एक नंबर इस बार जो मूर्ति बनाई है ना, बहुत गजब की मूर्ति बनाई है। और पता है 15 से 16 फीट तक की मूर्ति बनाई है भाई, देख रहे हो इतनी खतरनाक मूर्ति बनी हुई है। और सामने ये चेक करो भाई हमारे गणेश भगवान, ये देखो क्या मस्त मूर्ति लगती है यार ये। तो भाई आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, बहुत खतरनाक ब्लॉग होने वाला है, तुम बने रहना एंड तक, और खूब धूमधाम सीन होने वाले हैं आज के भी। पिछले बार आपने तबाही मचा दी थी, इस बार का क्या सीन है? इस बार भी बहुत अच्छा सीन है ना, भगवान गणेश की रथ यात्रा का आज दिन है, भगवान के महोत्सव का दिन है आज, जहाँ पूरी नगरी भगवान गणेश के उत्सव में गुदमोर है, आपको बता नहीं सकते। आप देखिए विभिन्न प्रकार की झांकियाँ तैयार हैं, जो कुछ ही क्षणों के अंदर आपके लिए रथ यात्रा में निकलती हुई दिखाई देंगे। ये स्वचलित झांकियाँ हैं, इनके हाथ पैर मूवमेंट करती हुई झांकियाँ हैं। मैं आपको आइए ले चलता हूँ और झांकियों के पास, जिनका आपको मैं वर्णन कराता हूँ, आइए। चलो भाई तुम्हें दिखाते हैं झांकी, क्या मस्त बनाई है भाई इस बार है। ये है राधा कृष्ण का नृत्य करते हुए, ये चेक करो भाई, महल में सीन है बिल्कुल एकदम, ये देखो ये राधा रानी का नृत्य है। ये आपके लिए जब रथ यात्रा निकलेगी तो नाचती हुई दिखाई देंगी आपको, उनके मूवमेंट हाथ पैर चलते हुए हैं, ये देखो और आगे चलते हैं। ये भगवान गणेश है, ये देखो भाई भगवान, ये देखो ये पूरे मोतियों से और नगों से बनाए गए हैं, रतन जड़ित नगों से बनाई गई है। ये आप देख रहे थे 25 फीट ऊंची झांकी है भगवान गणेश की, 25 फीट क्या बात है भाई, देख रहे हो क्या मस्त, कितनी सुंदर लग रही है भाई, कितनी सुंदर लग रही है, चेक कर रहे हो। ये भी एक भव्य झांकी है भगवान गणेश की, ये शंकर का अवतार है भगवान गणेश के रूप में, ये देखो आरती करते हुए हैं, ये क्या बात है भाई। ये भी आप देख सकते हैं 25 फीट की झांकी है, दोनों ही बराबर की झांकियां हैं ये। अच्छा अंकल एक चीज बताइए, मतलब ये सब हाथ से बनी भी है ना? सारी हाथ से बनी हुई है, सारे लोकल के कलाकार हैं, कोई बाहर से नहीं आया, निःशुल्क है ये, कोई पाइप पैसा नहीं लेता एक भी कलाकार, जितने भी कलाकार हैं यहाँ सेवादार हैं, सारे एक से एक पैसे वाले हैं, लेकिन किसी को घमंड इस बात का नहीं कि हम पैसे वाले हैं। सही बात है, सही बात और सेवा है। ये महाबली बजरंगबली की, ये चेक करो भाई, ये माउथ फ्रेशनर, चुटकी, आम पापड़, बाबा इलायची, बच्चों की टॉफियां, चॉकलेट वगैरह सब बनाई गई है। ये भी आपको देखिए 25 फीट की यहाँ की है, ये देखो भाई, मतलब अच्छा इसमें एक चीज सबसे अच्छी ये लगी कि खाने पीने की चीज से बनाई गई है चीज, ये हर बार यहाँ पर जितनी भी बार आप आओगे ये हर बार आपको अलग अलग आइटम से बनी हुई, क्या बात है, मतलब कुछ भी सेम नहीं सब अलग अलग। मैं यहाँ पर 22 साल से आ रहा हूँ, 22 साल से आज तक कभी कोई आइटम दोबारा लगा ही नहीं है, क्या बात है, क्या बात है भाई। ये देखिए ये भगवान नरसिंह की झांकी है, ये भी 25 फीट की झांकी है, क्या बात है, कोई छोटी झांकी है ही नहीं। आपने एक दर्शन किए थे अयोध्या में रामलला के, सही बात है, एक दर्शन यहाँ भी कर लीजिए, सही बात है, ये सही बात है, ये चेक करो यार, दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं जो पीछे की बैक है, भगवान राम की जो अवतार है उनको दर्शाया गया है, सही बात है, ये चेक करो भाई। प्रकार से देखिए माँ शेरावाली नारियल में से उत्पन्न हुई, पीछे नारियल बनाया गया, नारियल बनाया उसके अंदर से निकलती हुई माँ शेरावाली की भव्य झांकी है ये। ओ देखो काली माता को देखो, ये चेक करो भाई एक बार, ये चेक करो देखो, ये देखो भाई माँ काली का भव्य रूप का दर्शन करिए, ये चेक करो, आपको कलकत्ता जाने की जरूरत ही नहीं है, सही बात है, अपने विराजमान है, सही बात है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है भाई, देख रहे हो भाई। अब सोचो अभी जब यहाँ से निकलेंगे ना झांकी तब कितना मजा आने वाला है ना, हाँ फुल तफरी आने भाई, ऐसा ही कुछ देखने को माहौल देखने को मिलने वाला है तुम्हें बाहर, ठीक है ना। जब यहाँ से अभी तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, मतलब आपको दिखाने के लिए कि कैसा क्या सीन है, हाँ अभी 2 घंटे बाकी है भाई। इसी प्रकार से ये माँ शेरों वाली है, ये भी पहाड़ों से उतर कर आ रही है, सही बात है। इसमें आपको जब रात को आप देखेंगे अब निकलेंगी तो इसमें पूरी लाइटिंग लगाई गई है, ये पूरी लाइटिंग में आपको नजर आएगी। कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो मतलब शादी जा, मतलब सब में मोटर वगैरह और लाइटिंग वगैरह, झांकियाँ जितनी भी है मूवमेंट करती हुई है, कोई भी बिगर मूवमेंट की झांकी नहीं है, नहीं है, क्या बात है। एक जो हमारा विसर्जन वाला रथ होता है जिसको हम विसर्जन करते हैं भगवान गणेश की मूर्ति, उसके लिए जो है हम विदाउट मूवमेंट की बनाते हैं और मट्टी की बनाते हैं। सही है। देखो सीन शॉट तुम्हें क्या है पता चल गया होगा भाई, माहौल चेक करो यहाँ पे, इतनी अच्छी वाइब आ रही है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। और सोचो जब भी निकलेंगे ना एक एक करके तो भाई अलग ही माहौल होने वाला है। बाकी अंकल का मैं नाम बता देता हूँ, इनका नाम अरुण है, डीएम साहब आ चुके हैं,
डीएम साहब आ गए। ये पहाड़ों वाली माता है, पहाड़ों वाली माता, ये भगवान कृष्ण की लीला है। माँ वैष्णो तो भाई देखो तुमने सीन शॉट किया, खतरनाक हो रखा। और भाई भीड़ अभी ये कुछ नहीं है, पता है अभी जो शाम को भीड़ होने वाली है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया बहुत, मैं जल्दी आ गया हूँ काफी, ठीक है। अभी जो भीड़ होने वाली है ना भाई, इधर पैर रखने की जगह नहीं होगी। तुम देख रहे हो यहाँ पे भी पुलिस है भाई, और इधर भी भाई, सब में देखो भाई कितना मतलब खतरनाक सीन हो रखा है। तो पिछले साल भी मैंने बनाई थी भाई, तुमने देखा था, प्यार भी दिया था तुमने। इसी बेस पे भाई तुम्हारा भाई फिर से चंदोसी आ चुका है। और भाई इस वाले ब्लॉक को भी प्यार देना, जैसे तुम डीजे वाले ब्लॉक को प्यार दे रहे हो भाई, भरपूर प्यार दे रहे हो, खतरनाक प्यार दे रहे हो तुम यार। क्योंकि भाई इस वाले ब्लॉक में अरुण भाई फ्रेम में है इस बार भाई। अरुण भाई पिछली बार अरुण भाई नहीं आते, लेकिन इस बार अरुण भाई भी आए साथ में, ये चेक करो। अच्छा ये बताओ मजा आ रहा? अरे भाई मन नहीं कर रहा, घर जाने का मन नहीं कर रहा भाई, लेकिन कैमरा लाना पड़ेगा वहां से ना, तुम्हें तभी तो दिखा पाएंगे यार, अलग अलग एंगल से शूट करेंगे ना, मजा आने वाला है भाई, बने रहना। और लाइक कर देना, दबा के शेयर कर देना, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब। तुम्हारा भाई बरेली से चंदोसी आ गया उड़ता उड़ता भाई। भी तैयारी हो रही है निकलने की, बस कुछ देर और जा रही है, फिर तुम्हें पूरा दिखाएंगे कार्यक्रम, क्या खतरनाक कार्यक्रम होने वाला है इस बार का भाई। पिछली बार तुम्हें रथ यात्रा दिखाई थी, इस बार की और भी खतरनाक होने वाली है। बाकी अरुण भाई की हालत चेक करो एक बार, गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है यार, है ना, बहुत गर्मी लग रही है इधर यार, हद से ज्यादा गर्मी भाई। इतनी तो गर्मी बरेली में भी नहीं पड़ रही जितनी यहाँ चंदोसी में पड़ रही भाई, देख रहा हूँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। फाइनली गाइस, अब फाइनली माहौल चेक करो, क्या माहौल हो रखा है भाई, एंगल भी बना, एंगल ये चेक करो भाई। अभी जैसे जैसे दे रहा हूँ तो जाएगा ना, वैसे वैसे तुम्हें भाई देखने को मिलता जाएगा एकदम खतरनाक सीन शॉट। देखो भाई अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब भीड़ देखो, क्या भीड़ रखी है भाई, देख रहे हो भाई। यहाँ पे ना चंदोसी में क्या, तुम जिस गली में निकल जाओगे ना, उस गली में तुम्हें भाई भी भाई दिखेगी भाई, और सामने डीजे आ रहा है, चेक करो भाई। चंदोसी घुमा दी भाई अभी इतनी देर में, आप माहौल देखना और एंजॉय करना, और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, भाई को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बहुत मजा दिलाते हैं भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी जाती है भाई चंदोसी में, एक बार आना आप लोग भी, आप इनको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ब्लॉग ऐसे ऐसे डालने की आपको मतलब एंजॉय तो एंजॉय, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के ब्लॉग। गोबर क्या करो यार भाई, गोबर से ब्लॉगिंग हो रही है। अरे भाई इस बार में कुछ ज्यादा खतरनाक सीन तो है, क्यों बहुत ज्यादा खतरनाक सीन होता है भाई, आप लोग आओ एक बार, आपको पता लगेगा खुद। ये क्या करो भाई, ये भाई क्राउड देखो तुम, क्या खतरनाक क्राउड हो रहा है। बढ़िया बढ़िया, बढ़िया।
देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है, अभी ऑल लगे रही है, आपको मजा बहुत आने वाला है। तो देखिए ब्लॉग राइडर बिल्कुल। देखो भैया ने बोल दिया कर देना, ठीक है भाई। गांधी की तो मस्त लग रहा है भाई, हाँ भाई। अरे भाई क्या बात है, ये तो मेन है यार, पिछली बार भी आया था। अरे क्या बात है, भाई आए हैं स्पेशली। भाई कहाँ से आए हो? गणेश कॉलोनी में रहता हूँ भाई, यहीं रहते हैं यार। भाई से मिलने आए बिट्टू भाई के दोस्त। भाई देखो एक बात है, भाई देखो पिछले साल में आया था, रथ यात्रा दिखाई थी, लेकिन भाई भूले नहीं अभी तक। यही आप लोगों का प्यार यार, बिल्कुल सपोर्ट करते रहना भाई। एक बार बोल दो शेर भाई, इतना क्राउड हो गया ना, इतना क्राउड हो गया भाई, पैर रखने की जगह नहीं है भाई। पसीने और गर्मी भी बहुत लग रही है यार। अब हनुमान जी की मूर्ति देखते करनी प्यारी है। अरे 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 भाई बैकर करो भाई। Thank you.
अच्छी वाइब आ रही है भाई, यहाँ से निकलने की इच्छा निकल रही है। पता है इतना क्राउड हो गया है यहाँ, पैर रखने की जगह नहीं है तुम्हारी कसम यार। और बाकी एक से एक बेहतरीन झांकी देखने को मिल रही है यहाँ पे भाई, एक से एक खतरनाक झांकी देखने को मिल रही है भाई। चेक करो यार, ये बड़ी मूर्ति है भाई। अब प्रसाद मिल गया भाई को यार। भाई ये प्रसाद मिला था, हनुमान जी ने दिया था स्वयं हमको। हाँ